दोस्तों, गोलकोंडा किला जिसे गोलकुंडा के रूप में भी जाना जाता है, एक गढ़वालीगढ़ और कुतुबशाही वंश की प्रारंभिक राजधानी है, जो हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित है। हीरे की खदानों के आसपास के क्षेत्र के कारण विशेष रूप से कोल्लूर खदान गोलकुंडा बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में फला फूला, जिसे गोलकोंडा हीरे के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे का उत्पादन किया, जिनमें बेरंग, कोहिनूर, ब्लू होप, गुलाबी डारिया एनूर, सफ़ेद शामिल है। रीजेंट, ड्रेसडन ग्रीन और रंगहीन ओरलो, निज़ाम और जैकब, साथ ही अब खोए हुए हीरे फ्लोरेंटाइन येलो, अकबर शाह और ग्रेट मोगुल भी। आइए दोस्तों, आपको गोलकोंडा का कुछ इतिहास बताते हैं। गोलकोंडा को मूल रूप से मंकाल के नाम से जाना जाता था। गोलकोंडा किले का निर्माण सबसे पहले काकतीय लोगों ने कोंडापल्ली किले की तर्ज पर पश्चिमी रक्षा के हिस्से के रूप में किया था। शहर और किले एक ग्रेनाइट पहाड़ी पर बनाए गए थे, जो 120 मीटर ऊंचा है, जो भारी युद्ध से घिरा हुआ है। रानी रुद्रमा देवी और उनके उत्तराधिकारी प्रताप रुद्र द्वारा किले का पुनर्निर्माण और शुद्धिकरण किया गया था। बाद में किला कम्मा नायक के नियंत्रण में आ गया, जिसने वारंगल में तुगलकी सेना को पराजित किया। यह 1364 में एक संधि के हिस्से के रूप में भामा सल्तनत को कम्मा राजा मुसनूरी कपाया नायक द्वारा उद्कृत किया गया। बहमनी सल्तनत के तहत गोलकुंडा धीरे धीरे प्रमुखता से उभरा। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क को गोलकुंडा में गवर्नर के रूप में बहमन द्वारा भेजा गया। 1501 के आसपास उनकी सरकार की सीट के रूप में शहर की स्थापना हुई। इस अवधि के दौरान बहमनी शासन धीरे धीरे कमजोर हो गया और सुल्तान कुली औपचारिक रूप से बन गया। 1538 में स्वतंत्र गोलकुंडा में स्थित कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई। 62 वर्षों की अवधि में मिट्टी के किले को पहले 3 कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा वर्तमान संरचना में विस्तारित किया गया था। परिधि में लगभग 5 किलोमीटर तक फैले ग्रेनाइट का एक विशाल दुर्ग है। यह 1590 तक कुतुब शाही वंश की राजधानी रहा, जब राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। कुतुब शाही ने किले का विस्तार किया, जिसकी 7 किलोमीटर बाहरी दीवार ने शहर को घेर लिया था। 1687 में 8 महीने की घेराबंदी के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों पतन के कारण 1687 में खंडर में गिर गया। गोलकोंडा किले में एक तिजोरी हुआ करती थी, जहां प्रसिद्ध कोहिनूर और होप हीरे को एक बार अन्य हीरों के साथ संग्रहित किया जाता था। गोलकोंडा को कृष्णा जिले के कोल्लूर, गुंटूर जिले, परिताला और अटाकूर के पास कोल्लूर खदान में दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले हीरे के लिए भी ये प्रसिद्ध है, और काकतीय शासनकाल के दौरान शहर में काटा गया था। उस समय भारत में दुनिया में एकमात्र ज्ञात हीरे की ये खदान थी। गोलकोंडा एक ऐसा शहर था जो सिर्फ हीरा व्यापार के लिए मशहूर था, और वहाँ बिकने वाले रत्न कई खानों से आते थे। दीवारों के भीतर का किला शहर हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इनके नाम में एक समान अर्थ भी है, यह महान धन के साथ जुड़ा हुआ है। जेमोलॉजिस्ट इस वर्गीकरण का उपयोग नाइट्रोजन की कमी के साथ एक हीरे को दर्शाने के लिए करते हैं। गोलकोंडा सामग्री को 2A के रूप में संदर्भित किया जाता है। माना जाता है कि कई प्रसिद्ध हीरे गोलकुंडा की खदानों में ही खोदे गए हैं। एक बार फिर से हम आपको उनके नाम बताते हैं, और उनके नाम हैं दरियाए नूर, नूर उल एन, कोहिनूर, होप डायमंड, प्रिंसी डायमंड, रिजेंट डायमंड, विल्सबाग ग्रेव डायमंड। 1880 के दशक तक गोलकुंडा का उपयोग अंग्रेजी बोलने वालों द्वारा किसी विशेष रूप से समृद्ध खदान के लिए और बाद में किसी महान धन के स्रोत के लिए किया जाता रहा था। पुनर्जागरण और प्रारंभिक आधुनिक युगों के दौरान गोलकोंडा नाम से एक प्रसिद्ध आभा प्राप्त की और विशाल धन का पर्याय बन गया। खाने हैदराबाद राज्य के कुतुब शाहियों के लिए दौलत बनकर आई, जिन्होंने 1687 तक गोलकोंडा पर शासन किया, फिर हैदराबाद के निजाम तक, जिन्होंने 1724 से 1924 तक मुगल साम्राज्य को आजादी के बाद शासन किया, जब हैदराबाद का भारतीय एकाकीकरण हुआ। गोलकोंडा किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम के तहत तैयार किए गए आधिकारिक स्मारकों की सूची पर एक पुरातात्विक खजाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गोलकोंडा वास्तव में 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार के साथ 87 अर्धवृत्ताकार गढ़ों, 8 गेटवे और 4 डॉब्रिज के साथ 4 अलग अलग किलों में शामिल है, जिनमें कई शाही अपार्टमेंट और हॉल, मंदिर, मस्जिद हैं। पत्रिकाओं, अस्तबल आदि के अंदर इनमें से सबसे कम बाहरी परिक्षेत्र है, जिसमें हम फतेह दरवाजा, जिसे विजय द्वार के नाम से भी जानते हैं, उससे हम प्रवेश करते हैं, जिसे औरंगजेब की विजय सेना द्वारा इस द्वार से अंदर जाने के बाद बुलाया जाता है।
जिसे औरंगजेब की विजय सेना द्वारा इस द्वार से अंदर जाने के बाद बुलाया जाता है, विशाल लोहे के स्पाइक्स के साथ जड़ी हुई है। दक्षिण पूर्वी कोने गोलकोंडा में इंजीनियरिंग चमत्कार की विशेषता है। फतेह दरवाजा में एक ध्वनि प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। प्रवेश द्वार पर गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर एक हाथ की ताली और बालाहिसार मंडप में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। उच्चतम बिंदु लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इसने हमले के मामले में रॉयल्स को एक चेतावनी नोट के रूप में भी काम कर रखा है। पूरा गोलकोंडा किला और इसके आसपास का क्षेत्र 11 किलोमीटर में फैला है और इसके हर नुक्कड़ की खोज एक कठिन काम है। किले की यात्रा से कई मंडप द्वार, प्रवेश द्वार और गुंबदों में स्थापत्य सौंदर्य का पता चलता है। 4 जिला किलों में विभाजित वास्तुशिल्प वीरता अभी भी प्रत्येक अपार्टमेंट, हॉल, मंदिर, मस्जिद और यहाँ तक कि अस्तबल में भी चमकती है। किले के सुंदर बगीचे अपनी सुगंध में लोगों को खो जाने के लिए मजबूर कर देते थे, जिसके लिए उन्हें 400 साल पहले जाना जाता था। फिर भी गोलकोंडा किले की पिछली गलियों की खोज करते समय इन पूर्व उद्यानों में टहलना आपके कार्यक्रम में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक अद्भुत एहसास दिलाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।